हेलो फ्रेंड्स वेलकम नीलम राजपूत ब्यूटी फैशन मैं हूँ नीलम तो फ्रेंड्स आज हम कटने जा रहे हैं एक सलवार सर्दियों की है तो फ्रेंड्स ये जो सलवार है इसकी रेडी लेंथ हमें थर्टी एट रखनी है तो इसमें से मैं पाँच इंच कम कर दूंगी तो हमें यहाँ पर जो पहुंचे हैं उसकी लेंथ हमें तैतीस इंच लेनी है ये पाँच इंच हमारा बेल्ट में तैयार हो जाता है वैसे हमें बेल्ट की लेंथ आठ इंच लेनी होती है उसमें से दो इंच का नेफा मुड़ जाता है और एक इंच नीचे सिलाई में प्लेट्स में चला जाता है तो हम इसकी लेंथ थर्टी थ्री यानी तैतीस इंच ले रहे हैं अगर आपकी सलवार की लेंथ कितनी भी हो उसमें से आपको पाँच इंच ही कम कर देना है और यहाँ पर हमें इसे कट कर लेना है तो फ्रेंड्स देखिए हम इसे कट कर देंगे तो इसे हमें कट कर देना है तो फ्रेंड्स कट करने के बाद आपको अपनी मोहरी जितनी भी रखनी है उसके हिसाब से आपको इनकी चौड़ाई ले लेनी है मुझे अपनी मोहरी की चौड़ाई छः इंच लेनी है तो मैं इसे एक बार और फोल्ड करके अब ये फोर फोल्ड हो जाता है तो आपकी मोहरी जितनी रेडी रखनी है उससे एक इंच एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ले लेना है तो फ्रेंड्स इसे ऐसे चारों सभी तरफ से इसे माप लेना है और इसे इसे सीधा कट कर देना है ये जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है इसे हम बेल्ट में भी यूज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारे जो पोछे हैं वो कट गए हैं अब हमें अपने कलियों की कटिंग करनी है बाकी जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है आपके पास जितना भी कपड़ा बचता है उसे आपको ऐसे ही डबल फोल्ड कर लेना है और आपके पोंचों की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ हमें कलियों की ले लेनी है अगर आप कलियां नीचे पोंछों तक डालने वाले हैं तो आपको कलियों की लंबाई तैंतीस इंच रखनी है मैं यहाँ पर कलियों की लेंथ जो है वो तीन इंच कम कर रही हूँ क्योंकि मैं कलियाँ ऊपर से डालने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर कलियों की लेंथ तीस इंच ले रही हूँ तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही आसान तरीका है अगर आपके सलवार का कपड़ा कम है तो आप इस तरीके से सलवार में अधिक प्लेट्स वाली सलवार बना सकते हैं और तीन इंच कम करके आपकी कलियों की लेंथ ले सकते हैं तो मैंने यहाँ पर तीस इंच एक साइड से निशान लगा लिया है और ऐसे ही दूसरी साइड भी तीस इंच पर हमें निशान लगा लेना है और इसे आपस में मिला लेना है तो फ्रेंड्स मैं इन्हें ऊपर से डालने वाली हूँ तो मैं यहाँ पर तीस इंच पर निशान लगा कर इस एक किनारे को दूसरे किनारे से इंची टेप की मदद से मिला दूंगी तो फ्रेंड्स आपको भी इसे ऐसे ही मिला देना है ऐसे इंची टेप की मदद से इसे हमें मिला देना है इसे मिलाने के बाद ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है उसमें से हमारा क्रोच लाइन एरिया है जो वो कम रह जाता है तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसे कैसे बनाने वाली हूँ तो आपको भी ऐसे ही कर लेना है आपका कितना भी कपड़ा हो उसे ऐसे ही आपको अपने पोचों के लेंथ के हिसाब से इसकी लेंथ बस आपको ले लेनी है और उसके बाद हमें हमारा जो आसन है यानी क्रोच लाइन एरिया है उसे हम बाद में कट करेंगे इसे कट करने के बाद आपको इसे ऐसे चारों को एक साथ रख लेना है ये देखिए यहाँ पर हमारा जो क्रोच लाइन है यहाँ पर आने वाला है तो मैं ये इसकी लेंथ दस इंच रखने वाली हूँ तो इसे जहाँ तक भी हमें दस इंच मिलता है वहाँ वहाँ तक हमें इसे कट कर लेना है ये जो क्रोच लाइन है हमें सिर्फ यहाँ पर चार या पाँच इंच का मिला है ये देखिए जहाँ से मैंने इसे पकड़ा हुआ है यहाँ पर सिर्फ पाँच इंच है तो अब हम इंच टेप को ऐसे रख कर दस इंच जहाँ हमारा आता है वहाँ तक इसे कट कर लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए सिर्फ ये ही बल कम हुए हैं हमारे थोड़े कम बल बनते हैं फुल पटियाला सलवार से पर इसमें काफ़ी ज़्यादा बल जो हैं हमारे वो प्लेट्स हैं जो हमें मिल जाते हैं अगर आप इस तरीके से सलवार कट करते हैं तो आप कम कपड़े में भी ज़्यादा घेरदार सलवार आप बना सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंड्स ये जो कपड़ा है वो इसकी कुर्ती में से बचा हुआ है तो इसमें से हमें अपनी पूरी बेल्ट है जो वो मिल जाती है बेल्ट की लंबाई हमें आठ इंच लेनी है पाँच इंच रेडी रह जाती है और हमारी सलवार भी जो लेंथ है वो पूरी हो जाती है तो इसमें इसकी जो चौड़ाई है वो हमें हिप के हिसाब से लेनी है आपकी हिप जितनी भी है उससे तीन इंच एक्स्ट्रा हमें बेल्ट की जो चौड़ाई है वो लेनी होती है और लंबाई हमें आठ इंच लेनी होती है तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग